कहावत है कि कंगाली में आटा गीला। जिसको चरितार्थ करते हुए तहसील क्षेत्र के ग्राम ईश्वरी में देखने को मिला है एक मामला, जहां पर मुनेश दोहरे पुत्र मुन्नालाल के घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें गरीब का आशियाना उजड़ गया। उक्त पहले से ही मुफलसी के दिन काट रहा था और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार व अपना भरण पोषण कर रहा था। इसी मजदूरी से उसने 8 क्विंटल गेहूं, 3 क्विंटल सरसों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की 80,000 नकदी रखी हुई, जो कि जलकर खाक हो गया। घर में जो थोड़ा बहुत सामान व पुत्र की शादी में उपहार स्वरूप मिला, सामान भी आग से नष्ट हो गया। जब पड़ोसियों ने धू धू करते घर को देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने में वो जुट गए। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक आग बुझती जब तक गरीब का सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अब गरीब की आंखों में आंसुओं के सैलाब के अलावा कुछ नहीं बचा। सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल पहुंच गए और रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी। वहीं प्रशासन ने दरियादिली दिखाते हुए पीड़ित को स्थानीय कोटेदार द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी है। अब देखना होगा कि गरीब के उजड़े आशियानों को गुलजार करने के लिए सरकारी मदद कब मिलती। News30 एक्सप्रेस टीवी के लिए जालौन से शिव बालक अनुरागी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मुनेश। कहाँ के रहने वाले हैं? तीसरी। अच्छा, क्या घटना हुई आपके यहाँ? तो बाहर थे, घर पे आग लगी तो सब पूरा का गल्ला पानी हर चीज जल गई। सब मशीनें हर चीज लैपटॉप वगैरह सब गल्ला पानी, कुछ नहीं बचा घर में, कुछ मिला गई। नहीं तो आप लोग कहाँ गए थे जब हुई तभी घटना? त्रयोदशी थी, वहाँ पे हमारे बच्चे गए थे। हम तो अहमदाबाद रहते थे, अहमदाबाद में मालूम फोन किया तो हम कल बैठे तब आज आए हैं। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी मौके पे आया क्या? नहीं आया। पुलिस आई थी यहाँ पे, बस बोल गई कि सब काम रवाई नेपाल आपके करेंगे, सारी काम रवाई आपको मुआवजा मिलेगा, इतना बोल गया है।